और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में करारी पराजय से पस्त कांग्रेस पार्टी लगातार झटके पर झटके झेल रही है और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जहां कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, वहीं भाजपा बाहें पसार कर कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं का स्वागत कर रही है। और आज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, आलोक सिंसोरिया, भोपाल के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा और योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले, सुभाष यादव, जसपाल अरोरा बीजेपी के नेता हो गए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफा पहनाकर सभी का स्वागत पार्टी में किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा, अब तो आलम यह है कि आगे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये है सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है और ऐसे में ऐसे अच्छे लोगों का साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मार्ग चुना है, यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए ये बात अवश्य कहता हूँ कि जरूर आपको लगेगा कि हम अपने परिवार में सम्मिलित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है। मैं पुनः एक बार सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूँ, तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे, एमएसटी के कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की, अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं बरसों से उसका कायल रहा हूं। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाला कांग्रेस सही जगह थी नहीं। दो दो प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस में, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले हो रहे हैं। आप कहेंगे एक दो का उल्लेख करिए, मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती और हमारे शीर्ष नेता और प्रदेश नेता को का नीतियों को देख के आज हम सब भाजपा में शामिल हो गए। मैं पहले विधायक में था भाजपा से, मैं प्यासी में कैलाश जी ने टिकट दिलवाया था मेरे दोस्त और भोपाल के बाद अब चलते हैं रायपुर, जहां पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी किसान महासम्मेलन में